यूडली नाम का एक सफेद रंग का हाथी जंगल में रहा करता था। पूरे जंगल में सिर्फ एक ही सफेद हाथी था और वो था यूडली। हर कोई उसे चाहता, हर कोई उसे प्यार करता। यूडली को हमेशा पानी में नहाना बहुत पसंद था। देखने में ही यूडली बहुत प्यारा लगता था। वो सुबह शाम तालाब के पास जाकर नहाया करता था। एक दिन एक फोटोग्राफर जो जंगल की बहुत सारी तस्वीरें खींच रहा था, वो यूडली को नहाते हुए देख लेता है। वाह, कितना मजेदार पानी है, गर्मी से बच गए। आहा, मजा आ गया। अब कल सुबह फिर से आऊंगा नहाने। अब मैं चलता हूँ। यूडली को देखकर फोटोग्राफर बहुत खुश हो जाता है। वो यूडली की बहुत सारी तस्वीरें खींचने लगता है और फिर वो सोचता है, इतना खूबसूरत हाथी, इसकी तस्वीरें तो लाखों रुपए की बिकेंगी, और अगर मैं इसे ही यहाँ से ले जाऊं तो आज तो मेरे पास बड़ी जीप भी है। ये हो सकता है, मुझे कोशिश करनी चाहिए। शिकारी चलाकी से सफेद हाथी यानी कि यूडली को पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगता है। यूडली जोर जोर से शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, मैं नहीं जाना चाहता जंगल से, ये शिकारी मुझे अपने साथ ले जा रहा है। मम्मी पापा बचाओ। यूडली की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। अगर ये ऐसे ही चिल्लाता रहा तब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सबसे पहले इसके मुंह को बांध देता हूँ। शिकारी एक कपड़ा लेता है और यूडली के मुंह पर बांधने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर यूडली अपने तेज नाखून उस शिकारी के ऊपर डाल देता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। और मौका पाते ही यूडली जोर जोर से भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगता है, बचाओ बचाओ, मैंने शिकारी को घायल किया है। अरे अरे, वो मेरे पीछे होगा, कोई है, आज मुझे शिकारी शहर ले जा रहा था। अरे बचाओ, अरे बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते यूडली अपने घर तक पहुंच जाता है। शिकारी घायल था, अब वो यूडली के पीछे नहीं भाग सकता था। वो अपनी गाड़ी लेकर शहर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर यूडली सारी बात अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अरे वाह यूडली, तूने तो कमाल कर दिया, आज तूने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया, तूने अपनी जान खुद बचाई, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, मुझे तुम पर नाज है। चल मेरा राजा बेटा, चल के खाना खा ले, तेरे लिए बहुत सारे केले लाए हैं तुम्हारे पापा। यूडली खुश हो जाता है और मजे से केले खाने लगता है। आज वो अपने बड़े होने का प्रमाण जो दे पाया था। एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था, एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ, तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है, अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए कहीं हमें पकड़ ना ले। नहीं नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी, आओ आओ तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित तुम सीखना चाहते हो, क्यों, क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा चलो बोलो, 1 2 3 4, 1 2 3
वाह, ये तो बहुत आसान है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त हो ना, मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं, पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊंगा। मुझे माफ कर दो।